संविधान दिवस के अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार एकादश ने दीवानी न्यायालय परिसर में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का शपथ लिया गया है कि हम सभी भारतीय संविधान की एकता व अखंडता को बनाए रखेंगे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण लोकतांत्रिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब ने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भूमिका बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 इस संविधान को अंगीकृत आज संविधान दिवस पर जो हमारे संविधान निर्माता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और अन्य गणमान व्यक्तियों की को याद करते हुए जो हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया, उसी के प्रस्तावना पाठ कर हम 26 नवंबर का दिवस मनाते हैं। इसमें विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जैसे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से रैली, विधिक जागरूकता रैली निकाल कर और स्कूल कॉलेजों में बच्चों के साथ प्रस्तावना पाठ कर और जो हमारे अन्य जन सामान्य व्यक्ति हैं उनके उन सब में जो है 26 जो नवंबर है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है।